प्यारे बच्चों, मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से आप सभी का इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वापस वो पृथ्वी पे नीचे ही आता है। जब भी बारिश होती है तो बारिश की बूंदें बादलों से नीचे ही आती हैं, और हमने अनुभव किया है कि जब भी पहाड़ों से उतरना होता है तो उस उतरने की तुलना में पहाड़ों पे चढ़ने में ज़्यादा थकान होता है। आखिर क्यों होता है? निश्चित ही आप इससे भलीभांत परिचित हैं कि इसके पीछे जो कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण। बच्चों, आपने गुरुत्वाकर्षण का पिछली कक्षाओं में अध्ययन भी किया है। हम इस अध्याय में गुरुत्वाकर्षण का डिटेल अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि ग्रहों उपग्रहों की गति क्या होती है, कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, और जी के वैल्यू किस प्रकार पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे और नीचे जाने पे घटती है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस भाग में हमारे चर्चा के बिंदु क्या हैं। तो सबसे पहले हम केपलर के नियम का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है इसको जानेंगे, समझेंगे, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम को सदिश के रूप में देखेंगे, और किसी बिंदु द्रव्यमान पर अन्य बिंदु द्रव्यमानों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा इसकी हम गणना करेंगे, और तत्पश्चात गुरुत्वीय नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण की बात आती है तो न्यूटन का नाम दिमाग में आता है। न्यूटन के बारे में वो जो कहानी है, दंत कथा, आप जानते होंगे कि किस प्रकार जब सेब गिरा था तो न्यूटन के दिमाग में ये आया था कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। लेकिन आदिकाल से ही बहुत सारे जो खगोलविद हैं, खगोलज्ञ हैं, जो हमेशा से ग्रहों, नक्षत्रों, तारों की गतियों को लेकर जिज्ञासु रहे हैं। बच्चों, ग्रही गतियों के सबसे प्राचीन प्रमाणित मॉडल को अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व टॉलमी ने प्रस्तावित किया था। यह भूकेंद्री मॉडल था जिसके अनुसार सभी आकाशीय पिंड, चाहे वो तारे हो, उपग्रह हो, ग्रह हो, वो इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस भूकेंद्री मॉडल में बताया गया था, और इसके आधार पे ये भी कहा गया था कि आकाशीय पिंडों की जो संभावित गति केवल वृत्तीय गति ही होती है। उसके पश्चात 5वीं शताब्दी में भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट ने एक अधिक परिष्कृत मॉडल का वर्णन किया था जिसे सूर्य केंद्री मॉडल कहते हैं, जिसके अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों की गतियों का केंद्र माना गया है। और उसके 1000 वर्ष पश्चात पोलैंड के ईसाई भिक्षु जिनका नाम निकोलस कोपरनिकस था, एक पूर्ण विकसित मॉडल प्रस्तावित किया जिसके अनुसार सभी ग्रह केंद्रीय स्थान पर स्थित सूर्य के परितः वृत्तों की परिक्रमा करती हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी ग्रह उपग्रह हैं वो किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ, जो भी ये ग्रह हैं। तो ये सूर्य केंद्रीय मॉडल था जो कि भू केंद्रीय मॉडल से अलग था, जिसमें भू केंद्रीय में क्या था, उसके केंद्र में पृथ्वी को दिखाया गया था। बच्चों, टाइको ब्रे जिन्होंने समस्त जीवन काल में अपनी नंगी आंखों से ही सीधे ग्रहों का प्रेक्षण करते थे और उसका अभिलेखन तैयार किया, जिसके द्वारा जो संकलित आंकड़े थे, बाद में उसके सहायक जोहानेंस केपलर ने उस प्रेक्षण, उस गणना के आधार पे उन्होंने 3 परिष्कृत नियमों को प्रतिपादित किया जिसे आज हम केपलर के नियम से जानते हैं। जोहानेंस केपलर जर्मन के मूल वैज्ञानिक थे। उन्होंने टाइको ब्रे और उनके सहयोगियों द्वारा बहुत परिश्रमपूर्ण लिए गए प्रेक्षणों के आधार पर ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए जिन्हें हम केपलर का नियम कहते हैं। आइए हम देखते हैं केपलर का नियम क्या है। तो केपलर का जो नियम है, केपलर लॉ, फर्स्ट लॉ है जो कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसके अनुसार सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होती है। जैसा कि आप चित्र से देख सकते हैं, ये एक दीर्घवृत्त है, इसके 2 फोकस हैं,
इस दो फोकस में से उनके अनुसार किसी भी एक फोकस पे सूर्य होगा और जो प्लैनेट होगा इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में उसका चक्कर लगाएगा। ये केपलर का फर्स्ट लॉ था। केपलर का सेकेंड लॉ है क्षेत्रफलों का नियम या लॉ ऑफ एरियाज। इसके अनुसार सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल प्रसर्प यानी कि स्वेप करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफली वेग नियत होता है। देख लीजिए, जैसे कि ए फोकस पे दीर्घवृत्ताकार ये जो कक्षा है उसके फोकस पे सूर्य है और एक प्लैनेट है। कहने का मतलब अगर प्लैनेट ए है और ए से बी में जाने में ये टी समय ले रही है, तो इसका ये जो क्षेत्रफल होगा अगर दूसरे साइड अगर जब ग्रह इसके नज़दीक आ रहा है और वो सी से डी जाता है तो इसी टी टाइम में जितना ये क्षेत्रफल कवर करता है दोनों बराबर होंगे। इसे क्षेत्रफलीय वेग नियम कहते हैं, इसे क्षेत्रफलों का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल का नियम क्या है, इसको और अच्छे से समझते हैं। बच्चों देखिए, एक ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और ये सूर्य है एस और पी कोई प्लैनेट है। यहाँ पे इसकी आर जो है सूर्य से इसकी दूरी है। अगर हम मान लेते हैं कि ग्रह की स्थिति सदिश आर है और उसका संवेग पी वेक्टर है, तब एम द्रव्यमान का कोई भी प्लैनेट है यदि, तो डेल्टा टी समय में वो कितना एरिया स्वेप किया, अर्थात कितना एरिया ये चला, तो उस वो हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस वेक्टर भी इंटू डेल्टा टी। ये वी इंटू डेल्टा टी क्या है, ये देखिए पी से पी डैश तक की चली गई विस्थापन, और आर वेक्टर क्या है ये, तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो ये डेल्टा ए वेक्टर होगा। यहाँ से बच्चों हम जानते हैं कि जो संवेग होता है पी इक्वल टू क्या होता है एम भी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वेक्टर अपान एम, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट की गई तो यहाँ से आ गया डेल्टा ए वेक्टर अपान डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर डिवाइडेड बाय एम। और आर क्रॉस पी क्या होता है, ये कोणीय संवेग है, आर क्रॉस पी के करस्पॉन्डिंग कोणीय संवेग एल वेक्टर है, इसको हम डिनोट करते हैं एल वेक्टर से, और ये हो जाएगा एल वेक्टर अपॉन 2m। बच्चों किसी केंद्रीय बल के लिए जो r के अनुदिश निर्देशित हैं, l एक नियतांक होता है, जबकि ग्रह परिक्रमा कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब ये l नियतांक है तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अर्थात समान समय में जो भी क्षेत्रफल ये तय करता है ग्रह वो क्या होगा, वो बराबर होगा, क्षेत्रीय जो चाल होगा ग्रह का वो बराबर होगा। बच्चों देखिए, कोणीय संवेग यहाँ पे क्या है नियत होता है, तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई पी पे एम द्रव्यमान का जो प्लैनेट है और उस वहाँ पे वो उसका वेग v1 हो और सन से डिस्टेंस r1 हो, हम लिख सकते हैं कोणीय संवेग एम v1 r1। और इसी प्रकार कोई अन्यत्र कहीं मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई n है और यहाँ पे इसका जो वेग v2 हो और डिस्टेंस r2 हो, तो हम लिख सकते हैं एम v2 R2, तो यहाँ से हम लिख देंगे V1 R1 इजकल टू V2 R2। यहाँ से देखिए, जब R1 कम होगा अर्थात जब प्लैनेट सूर्य के नज़दीक होगा तो क्या होगा, वेग यहाँ पे अधिक हो जाएगा, अर्थात सूर्य के निकट जब प्लैनेट आएगा तो उसका वेग ज़्यादा हो जाता है, और सूर्य से जब दूर होता है प्लैनेट तो वहाँ पे वेग कम हो जाता है। आइए देखते हैं केपलर का तृतीय नियम क्या है ग्रह संबंधित गति का, तो वो है आवर्त कालों का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घ वृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए ये कोई दीर्घ वृत्त है, इसका ये दीर्घ अक्ष है, क्या है ये 2a जिसकी लेंथ है, इसका अर्ध दीर्घ अक्ष क्या होगा, इसका हाफ, यानी कि ये हो गया a।
और मान लीजिए ग्रह एक चक्कर लगाने में ये कितना टाइम ले रहा है, वो है टी। तो जो टी का स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए क्यूब, जो कि आवर्त कालों का नियम कहलाता है। बच्चों ये देखिए इस टेबल में, और यदि आप देखेंगे ये ग्रहों की जो गति है, जिसका ए, ए क्या है, अर्ध दीर्घ अक्ष है, कैपिटल टी क्या है, ग्रहों का परिक्रमण काल है, और यहाँ क्यू है टी स्क्वायर बाई ए क्यूब। जब आप इसको देखेंगे तो इस टेबल से आपको क्या दिखता है कि केपलर के आवर्त कालों के नियमों की यहाँ से पुष्टि हो रही है। जैसे आप बुध के लिए देख सकते हैं कि एज कल टू 5.79 और ये इंटू 10^10 है, यहाँ 10^10 मीटर में है, और टी की वैल्यू आती है 0.24 ईयर, और क्यू की वैल्यू है 2.95 × 10^-34 ईयर स्क्वायर प्रति मीटर क्यूब। बच्चों आइए हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखते हैं क्या है। न्यूटन ने अपने अनुभव के आधार पर यह बताया कि आर्यम त्रिज्या की, ये देखिए आर्यम त्रिज्या की कक्षा में यदि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण चंद्रमा पे एक अभिकेंद्र त्वरण आरोपित होगा, और जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं एम इजकल टू भी स्क्वायर अपान आर एम इजकल टू 4π² आर एम अपान टी स्क्वायर। इसको आप इस प्रकार बोल सकते हैं कि जैसे वृत्तिगत में आपने पढ़ा था जो अभिकेंद्र त्वरण ए इजकल टू क्या होता है, भी स्क्वायर बाई आर, आर वहाँ पे त्रिज्या होती थी, यहाँ पे आर एम है, और फिर हम लिखते थे भी इजकल टू आर ओमेगा अपन आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन आर, और फिर जब हम ओमेगा को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2π/T का स्क्वायर, और यहाँ से ये आ गया 4π²/T²(Rm)। यहाँ पे R की जगह यहाँ पे क्या है Rm, जिस कक्षा में चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगा रही है उसकी त्रिज्या। बच्चों चंद्रमा का आवर्तकाल 27.3 दिन होता है, और Rm उस कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो 3.84 × 10^8 मीटर होती है। जब T और Rm की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो जब T और Rm की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाती है तो Am की जो वैल्यू आती है वो Am की जो वैल्यू आती है 0.0027 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। बच्चों आप जानते हैं कि पृथ्वी सतह पे के पास से जब भी कोई वस्तु पृथ्वी पे गिरती है तो उसमें एक गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, और चंद्रमा पे जो लगने वाला त्वरण था एम ए एम पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जो अभिकेंद्र त्वरण था वो था 0.0027 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब इसका हम वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है 3600। इसी प्रकार चंद्रमा की पृथ्वी के केंद्र से दूरी आर्यम और पृथ्वी की सतह पे स्थित किसी भी वस्तु की केंद्र से दूरी, पृथ्वी के केंद्र से दूरी वो क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि अगर इस सतह पे कोई भी वस्तु है तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पे होगी, उसके त्रिज्या के बराबर, और हमें पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10^6 मीटर होती है। तो यहाँ से जब हम ये पुट करते हैं आर्यम अपान आरी तो ये 60 आया। न्यूटन ने भी ये वैल्यू रखा, और उसके बाद इन्होंने समीकरण 2 और 3 से देखा तो जी अपन ए एम इजकल टू आर एम अपन आर ई का स्क्वायर आया। आप देख भी सकते हैं ये 60 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3600। तो ये समीकरण 2 और 3 से एक संबंध निकाला गया कि जी अपन ए एम इजकल टू आर एम अपन आर ई का स्क्वायर। यहाँ से न्यूटन ने ये देखा कि जो त्वरण है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो उन्होंने कहा, एक पहला ये निकाला कि त्वरण ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूसरा, चूंकि बल जो क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r²। m उस पिंड की त्रिज्या है जो मान लीजिए पृथ्वी से r दूरी पे है, उसमें ये
त्वरण उत्पन्न हो रहा है ए। इसी प्रकार उन्होंने बोला कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम से यदि एक पिंड किसी दूसरे पिंड पे बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी उस पे बल लगाएगा। तो यदि पृथ्वी किसी वस्तु पे फोर्स लगा रही है एफ, तो वस्तु भी पृथ्वी के द्रव्यमान पे बल लगाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये बल होगा वो पृथ्वी के द्रव्यमान के भी प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ई, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान है, और एम अपान आर स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट यूज होता है और इक्वल साइन लगता है, तो एफ इजकल टू कैपिटल जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर। यही लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। इसे के अनुसार देखिए, यहाँ पे जो जी है ये क्या है, एक कांस्टेंट है, जिससे गुरुत्वीय नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। बच्चों ये था गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था। यहाँ से न्यूटन ने ये बताया, उनका जो एक फेमस कोटेशन है जो कि उनकी एक जो भी उनके लॉ जो प्रबंध किए गए थे जिस बुक में प्रिंसिपिया से लिया गया है, तो उस प्रिंसिपिया से उनका एक कोटेशन है कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ द पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अर्थात इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पे को एक आकर्षण बल से आकर्षित करता है, जिसका परिमाण उन दोनों पिंडों के मास के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर एक पिंड द्रव्यमान m है और दूसरा पिंड स्मॉल m है और दोनों के बीच की दूरी, जैसे ये मान लीजिए ये कैपिटल m है और ये है स्मॉल m, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी मान लीजिए r है, तो यहाँ से जो ग्रेविटेशनल लॉ था f इजकल टू कैपिटल g कैपिटल m m अपान r स्क्वायर है। ये न्यूटन का नियम था। बच्चों आइए हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को सदिश रूप में देखें। जैसे कि अगर कोई दो मास पार्टिकल m1 और m2 हैं और उनके बीच की दूरी r है, तो हम लिख सकते हैं कि उसका परिमाण क्या होगा, m इक्वल टू g m1 m2 अपान r स्क्वायर। अब m1 के द्वारा m2 पे मान लीजिए बल लग रहा है और वो है f। F चूंकि ये आकर्षण बल है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, आप देखिए इधर। तो जब इसको हम फोर्स को लिखेंगे तो हम लिखेंगे F वेक्टर इक्वल टू माइनस G M1 M2 अपन R स्क्वायर R वेक्टर, R यूनिट वेक्टर। तो इस प्रकार इसको सदिश रूप में लिखते हैं। यहां से G की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, यदि M1 बराबर M2 बराबर 1 kg हम रखें और R इक्वल टू 1 मीटर रखें, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या हो जाएगा, G इक्वल टू F। तो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है। जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। जी का विमीय सूत्र एम माइनस वन एल क्यूब टी टू पावर माइनस टू होता है। बच्चों यहाँ पे देखिए कि अगर M1 के कारण M2 पे जो लगने वाला जो बल है, ये मान लीजिए F21 है M1 के कारण M2 पे लगने वाला बल, और M2 के कारण M1 पे लगने वाला बल F12 है, तो जो रिलेशन होगा F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर होगा, क्योंकि ये आकर्षी बल होते हैं, आकर्षण बल होता है।
बच्चों आइए देखते हैं कि किसी बिंदु द्रव्यमान पर अन्य बिंदु द्रव्यमानों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। मान लीजिए बहुत सारे बिंदु द्रव्यमान है जैसे m2, m3, m4 एंड सो ऑन, और उसके कारण हम m1 बिंदु द्रव्यमान पे जानना चाहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि सभी बिंदु द्रव्यमानों के कारण जो अलग अलग इस M1 द्रव्यमान पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका जो सदिश योग होगा वो पूरे बिंदु द्रव्यमान के कारण उस द्रव्यमान M1 पे लगने वाला बल होगा, और M1 पे M2 के कारण गुरुत्वाकर्षण बल निकालें तो क्या हो जाएगा F12, और ये हो जाएगा -G m2 m1 / r² 12। यहाँ पे हमने माइनस साइन किया। अब देखिए ये r12 है, इसकी जो डायरेक्शन है r21 उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हम लिख सकते हैं कि r21, अगर हम यहाँ पे अगर सदिश राशि बोलेंगे तो r12 कैप कर सकते हैं, और r21 क्या होगा ये -r12 यूनिट वेक्टर के बराबर होगा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और चूंकि f12 = -gm2m1/r12² होता है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि f12 = G m2 m1/r² 21, और ये r21 यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार m3 के कारण m1 पे जो फोर्स लगेगा F13, तो हम पूरा जो टोटल फोर्स होगा F1 और उसको लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। और जब F12 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे g m2 m1/r² 21 r21 कैप, इसी तरह F13 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, F14 की वैल्यू रखेंगे, तो हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है कि F1 vector = G m2 m1/r² 21 r21 यूनिट वेक्टर प्लस G m3 m1/r² 31 r यूनिट वेक्टर 31 प्लस G m4 m1/r² 41 r41 यूनिट वेक्टर। बच्चों अभी ये क्या था कि बिंदु द्रव्यमानों के कारण किसी बिंदु द्रव्यमान पे गुरुत्वाकर्षण बल था, ये इसे हम सदिश योग कर लेते हैं। लेकिन यदि कोई विस्तारित द्रव्यमान है, बहुत ही बड़ा पिंड है, तो उसके कारण किसी बिंदु द्रव्यमान पे गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो क्या करेंगे, हम ये मानते हैं कि वो पूरा जो विस्तारित बड़ा पिंड है वो छोटे छोटे m बिंदु द्रव्यमानों से मिलके बने हैं, और जिसका उस बिंदु m1 पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो सदिश योग होगा। और इसको हम कैलकुलस के द्वारा ज्ञात करते हैं, और उससे हमें दो महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त हुए, ये कह लीजिए कि जो नोट करने योग्य है, वहाँ से दो महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त हुए। इसको देख लीजिए क्या है कि किसी एक समान घनत्व के खोखले गोलीय खोल यानी कि हॉलो स्फेरिकल सेल तथा खोल के बाहर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल ठीक ठाक उतना ही होता है जैसा कि खोल के समस्त द्रव्यमान को उसके केंद्र पर केंद्रित मानकर ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई ये सेल है, हॉलो स्फेरिकल सेल है ये, तो इस पे स्थित जो भी बिंदु द्रव्यमान होंगे हम उसको कंसीडर करते हैं, अगर उसके बाहर कोई बिंदु है उस पे हम बिंदु द्रव्यमान पे हम जानना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो हम ये मानेंगे कि इसका सभी द्रव्यमान कहाँ केंद्रित है, इसके केंद्र पे। दूसरा क्या है कि एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर आकर्षण बल शून्य होता है, यानी कि यदि कोई खोखला गोला है और इसके भीतर हम कहीं जानना चाहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा, तो वो क्या होगा, ये शून्य होगा। कब? जब वो खोखला गोला एक समान घनत्व का हो तब। बच्चों आपने गुरुत्वीय नियतांक के बारे में जाना, अध्ययन किया, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। सर्वप्रथम सन 1798 में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने प्रायोगिक आधार पर गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का मान ज्ञात किया था।
इसमें जो उन्होंने प्रयोग में जो ऑपरेटर्स यूज किया था, उपकरण यूज किया था, उसका प्रबंध इस चित्र में है। इसमें एक छड़ होता है ए बी, और मान लीजिए इसकी लेंथ है कैपिटल एल। इसके दोनों सिरों पे दो छोटे छोटे शीशे के बॉल होते हैं, ए और बी जुड़े होते हैं, और इस छड़ को एक पतले तार के द्वारा दृढ़ आधार से लटकाया जाता है। फिर दो बड़े द्रव्यमान के जो वस्तु हैं, बड़ी वस्तु है पिंड S1 और S2, जिसका मान लीजिए द्रव्यमान है कैपिटल M, दोनों का कैपिटल M है, इसको चित्र के अनुसार रखा जाता है। देखिए A के ये इस साइड है तो B के उस साइड, अर्थात दोनों अपोजिट है। तो इस M कैपिटल M द्रव्यमान और यहाँ पे स्मॉल M का जो द्रव्यमान, इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। इस M द्रव्यमान के कारण जो इसके अपोजिट साइड में दूर स्थित है द्रव्यमान की वस्तु पिंड, उस पे शीशा का जो गोला है उस पे जो फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो नेग्लिजिबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके कारण जो आकर्षण बल लगेगा F इस डायरेक्शन में होगा और इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा। इसमें एक बलाघूर्ण कार्य करेगा और इसमें छड़ में रोटेशन होगा। तो जैसे ही छड़ रोटेट करेगी तार में क्या होगा, ऐठन होगा, और उसमें प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, जो कि इस गुरुत्वीय बल आघूर्ण से छड़ के रोटेशन को रोकेगा। संतुलन की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय बल आघूर्ण है वो प्रत्यानयन बल आघूर्ण के बराबर होगा। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी ये स्मॉल डी है, दोनों मान लीजिए दोनों एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु और बड़े द्रव्यमान के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तो हम गुरुत्वाकर्षण बल से लिख सकते हैं ये हो जाएगा कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपन डी स्क्वायर, एक बल की वैल्यू हो गई किसी भी, और इनके बीच की दूरी L है तो हम L से गुणा कर दे तो बल आघूर्ण का मान ज्ञात हो जाएगा। और यदि थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट हो और टाउ प्रत्यानयन बल युग्म में प्रति एकांक एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी व्यवर्तन कोण हो तो हम लिख सकते हैं इसको टाउ इंटू थीटा के बराबर। और यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाए तो हम G की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इस तार में छड़ के पास एक मिरर रहता है और मिरर पे एक निश्चित डायरेक्शन से उस पे लाइट बीम डाली जाती है और एक थोड़ी दूर पे एक स्केल होता है। तो जैसे ही लाइट बीम डाली जाएगी तो उसका जो परावर्तित किरण होगी वो स्केल पे जाएगी और वो रीडिंग ली जाती है। जैसे ही ये रोटेट करेगा थोड़ा भी तो मिरर भी रोटेट करेगा उस छड़ के साथ और उसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो वहां से हम थीटा मेजर कर सकते हैं और इस प्रकार कैपिटल जी की वैल्यू ज्ञात की जाती है। आइए बच्चों हम देखते हैं कि गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण से आप परिचित भी होंगे, पिछली कक्षाओं में आपने इसका अध्ययन किया है। तो गुरुत्व क्या होता है, गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। बच्चों आशा करते हैं कि आपको आज का ये भाग समझ में आया होगा, तो जल्दी से ये गृह कार्य नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हल करिएगा। धन्यवाद।